आप लोग कभी कब्रिस्तान जाते हैं? जब तक कोई मरेगा नहीं कब्रिस्तान जाएगा नहीं, ना सवाल ही नहीं है। अच्छा कब्रिस्तान से गुजरता भी है, समझ गए, तो गुटखा खाते रहेगा, आप खुद करता रहेगा, जा रहा है कब्रिस्तान बाजू में, आ रहा है जा रहा है, उसी कब्रिस्तान में इसकी माँ भी है, उसी कब्रिस्तान में इसका बाप भी है, आ रहा है जा रहा है, आप मोबाइल से भी बात करता रहेगा, हेलो हाँ हो या नो हाँ करता रहेगा, कब्रिस्तान से गुजर रहा जी, कब्रिस्तान से गुजर रहा। अफसोस के औलाद ऐसी है, इसे सूरह यासीन तो दूर की बात, आयतुल कुर्सी याद है, वल असर भी ठीक से याद नहीं है, इन आतीना भी ठीक से याद नहीं है, वही एक सूरह याद है, बोलो अल्लाह वाद अल्लाह समझ रहा मैंने दोनों में दोनों में लोगों को बोला था। ए सूरह फातिहा सुना तो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीन अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम। ऐसे कहीं कुरान पढ़ा जाता है? सूरह हमजा, बोला मेरे बाप को भी नहीं मालूम। सूरह फील, नहीं मालूम। ए बेवकूफ अलम तर, सूरह यासीन तो बहुत दूर की बात है। आप लोग से मैं गुजारिश करता हूँ, अपनी बीवी से अगर प्यार है तो इसको कहिए मेरी जान आयतुल कुर्सी याद कर ले। जादू टोना बहुत चलता है गांव देहात में, इसलिए आपके इलाके में रिवाज है कि बच्चा पैदा होता है इतना बड़ा टिक्का यहाँ डाला जाता है, काला वाला यहाँ पर ये बड़ा सा दिया जाता है, उसकी माँ से पूछिए ये सब क्या है, बोला तुम नहीं जानोगे मौलवी हो रहो, ये सब मसला अलग है। आमिनीन जो है ताबीज लिखते हैं शमिश शबिस्ताने रजा से, नक्शे सुलेमानी से, मजमू अमाल रजा से, बुजुर्गों ने कुछ इजाजत दे दिया वहाँ से, ये तुम जो लगाई हो जादू से बचने के लिए कौन किताब है? बोला मेरी दादी परनानी चंद्र दादी खरदारी खरदारी, पता ही नहीं दादी का, मैंने दादी ने किया तो मेरी माँ ने किया तो हमने किया, मकसद क्या है? बोला जब तक टीका रहेगा, टीका ही ना कर दे उसको, टीका कहते हैं, काला रहेगा जादू असर नहीं करेगा। अरे वाह, तब ऐसा है कि हर आदमी टीका क्यों लगा लेगा, पूरे मुंह में काली लगा लेगा, जादूगर मर जाएगा। ओ वाह वाह वाह, याद नहीं, अक्सर लोगों को तो आए कनूद याद नहीं है, बाप रे बाप, अभी तक तो ठीक से तहियात भी याद नहीं है, सब लोगों को हमारे अंदर कितनी कमजोरियां हैं। सरकार फरमाते हैं जुमा का दिन हो, बाप या माँ दोनों या किसी एक की कब्र पे जाके बेटा सूरह यासीन की तिलावत करे और उसका सवाब माँ बाप के रूह को बख्श दे तो सरकार फरमाते हैं पढ़ने वाले की भी मगफिरत हो जाती है, उसके माँ बाप की भी मगफिरत हो जाती है। अच्छा लोग कब्रिस्तान भी जाते हैं, आखिरी बात सुन लीजिए, एक बज गया एक, आखिरी बात सुन लीजिए, मोहब्बत के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। ऐ मेरे दोस्त पजामा वाले बैठो, मेरे दोस्त सुनो, नाम शरीफ सुनाऊंगा, जिंदगी में कभी नहीं सुनोगे, वही शेर में रखे हुआ हो, इधर नहीं है भाई, अंदर है, मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं कब पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता हूँ जरूरी नहीं कि मैं पढ़ता हूँ, मेरा मिशन ये होता है कि अपने भाइयों को अपने बुजुर्गों को वो पैगाम दूँ कि आपके लिए आसानी हो, उस पर अमल हो जाए, ताकि जिन नौजवानों ने लोगों ने इतनी मेहनत से शाखा के बाद जलसा किया है और आप आए हैं, सबकी मेहनत वसूल हो जाए। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब सुनिए मेरे दोस्त, अच्छा कितने लोगों की माँ जिंदा है, जरा हाथ उठाइए, तो जिनकी माँ जिंदा है वही हाथ उठाइएगा, जिनकी अम्मा जिंदा है और उठा के रखिएगा, क्यों, मैं दुआ करूंगा या अल्लाह जिनकी माँ जिंदा है उनकी उम्र में बरकत अता फरमा। अब नीचे कीजिए, जिनके वालदैन अम्मा इंतकाल कर गई है वो लोग हाथ उठाइए, हाँ हम भी उसमें शामिल हैं इसलिए उठा रहे हैं, उठा के रखिएगा, या अल्लाह जिनके माँ बाप दोनों या एक इंतकाल कर गए हैं उनकी मगफिरत फरमा। दुआ ठीक हुई है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जिनके माँ जिंदा है उन लड़कों से, उन बूढ़ों से, उन सईफों से मैं मुखातब हो रहा हूँ, जिनकी माँ जिंदा है उनसे मैं मुखातब हो रहा हूँ, क्या कभी आपने अपनी माँ के पांव को दबाया? आए कितने अफसोस की बात, नादान तेरे तू जब बच्चा था तेरी माँ ने नूरानी तेल, पानी तेल, लाल तेल, पीला तेल, सरसों तेल लगा के तेरे पांव को मजबूत किया, तू चिल्लाता रहा, तेरी माँ ने रात दिन मालिश करके तुझे चल
काबिल बना दिया। क्या तेरी माँ तेरी खिदमत की जरूरतमंद नहीं है, हकदार नहीं है? अरे तू जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन माँ के लिए हमेशा तू बच्चा होगा। कभी अपनी माँ की खबर ले लेता, कभी अपने माँ के पांव को दबा दिया होता, कभी अपने माँ के कलमों से अपना हाथ लगा लिया होता। अरे माँ जो है उसकी रहमत के दरिया में तुगयानी आ जाती, खुश हो जाती और अपने आप पे नाज कर दी, मेरा बेटा जवान हो गया है लेकिन मुझसे मोहब्बत करता है, मेरा बेटा भेड़ उड़ का हो गया है मुझसे मोहब्बत करता है। दिल खुश हो जाता, और जब माँ बाप का दिल खुश होता है तो दुआ उठ निकलती है और कबूलियत के दरवाजे से टकराती है, और यही कहती माँ मौला मैं भी अपनी औलाद से राजी हूँ तो भी मेरे बेटे से राजी हूँ। सुभान अल्लाह। लेकिन अफसोस बहुत अफसोस, और एक बीवी है, हाय बीवी की मोहब्बत है दीवाना पगला। वो बोल लगी बरात के 12 बजे सर में दर्द है, निकल जाएगा दवा के। लेकिन माँ मेरे दोस्तों, मैं नहीं कहता हूँ कि बीवी से झगड़ा लड़ाई कर लीजिएगा, नहीं, उसको भी पटा के रखिएगा। आपकी जबान में मैं बोला हूँ, मोहब्बत के जाल में फंसा के रखिए, मोहब्बत का घोट पिला पिला के रखिएगा, मोहब्बत की चादर उड़ा उड़ा के रखिएगा। कहे कि अगर भाग गई तो आपकी नाक कट जाएगी, गुस्से में आ गई तो चूल्हा खराब, गुस्से में आ गई तो सालन खराब। उसके गुस्सा को दावत मन दीजिएगा, उसके पास पावर है, चाहे तो दाल में 250 ग्राम नमक डाल दे, क्योंकि चूल्हा पे उसी का कब्जा है, डेक्ची बड़ी बर्तन पे उसका कब्जा है। अगर उसको ज्यादा परेशान कीजिएगा, जवान कोटा मिला के खिला देगी, मखाना कराते कराते मार डालेगी, आप क्या कीजिएगा? हर चीज ऐसा मत किया कीजिएगा, उसे मोहब्बत के साथ रखिए, प्यार से रखिए। लेकिन दोस्तों उसको कह दीजिए, कभी माहौल बना के ये बताओ मेरे से जब तक तेरी शादी हुई तुम खुश हो कि नहीं। कभी कभी उसे इम्तिहान दीजिए, तो मुंह लटका के जरा देर करके बोले तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला है, और फौरन बोल दे अल्लाह का शुक्र है, समझिए बहुत अच्छी है। तब उसको कहिए जैसे हम लोग एक साथ जीते हैं और यहाँ हैं, तो क्या चाहती हो कि जन्नत में भी साथ रहें? इधर इधर ध्यान दीजिए, इधर इधर। कोई आदमी आज तक अपनी बीवी से बोला, या कोई बीवी अपने शौहर से बोली क्या जी जन्नत में साथ रहेंगे? ना, वो तो जब तक सांस है यहीं तक की बात करती है। क्या मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए, जहाँ आप रहिएगा वहीं रहेंगे, जहाँ हम रहे वहीं आप रहिए, आपसे एक पल हम जुदा नहीं रह सकते। हाँ, और अगर मर्द कह दे शादी और करूंगा, घर में तूफान तूफान, ओनली मैं रहूंगी, दूसरे कोई नहीं, दूसरे को आप नहीं ला सकते, मैं मर जाऊंगी, घर को मार दूंगी, कुछ कर दूंगी, लेकिन दूसरी शादी आप नहीं कर सकते। मर्द बेचारा इसके डर जाता है कि कब्जा इसी का है चूल्हा पे, कहीं कुछ कर दे तो क्या करे। लेकिन दोस्तों मैं आप दर्ज करना चाहता हूँ, अपनी बीवियों को समझाइए कि चाहती हो कि वहां भी साथ रहे तो काम कुछ ऐसा करो, यहाँ जहां भी दफन हो हश्र में मुझे हैदर करार के सदके में जन्नत मिले, तुझे बीबी फातिमा सहरा के सदके में मिले, हम भी जन्नत में रहे तुम भी जन्नत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन लीजिए, लेकिन आखिरी बात मैं बता दे रहा हूँ, जिनकी बीवियां नमाज नहीं पढ़ती है कल से एक्शन में आ जाइए, और जिसका शौहर नमाज नहीं पढ़ता है वो अपने एक्शन में नहीं आएगी, वो अपने शौहर को राजी करे नमाज को, क्या बात, राजी करे ताकि घर में नूरानी माहौल बने। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हश्र में सवाल सबका होगा, वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ। لیکن سب سے پہلے نماز لوگ قبرستان نہیں جاتے، ہم لوگ کے گھر کی عورت ہے، ابھی تو کتنے لوگ مفتی صاحب کی بلا ہزاروں استفتاح کے پاس جاتے ہیں، نکاح کا، خلا کا، فسخ کا، طلاق کا، وراثت کا، ڈھگان کا، اس کا، اس کا، لیکن یہ سب مسئلہ کسی نے نہیں مفتی
पूछा, कोई नहीं पूछा, हजरत हम कौन सा काम करेंगे कि कब्र में अजाब से बच जाए। क्या कहना, सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। औरत सर, अल्लाह अल्लाह, मुझको यही असल में बताना था आपके घर की, आपके कोई मुफ्ती साहब से काश को ये मसला पूछ लिया होता। हजरत मेरी शादी को 20 साल 5 दिन हो गए और अभी तक मैंने बीवी का मेहर अदा नहीं किया, क्या हुक्म? ना सवाल नहीं है, एक भी मर्द नहीं होगा जो मुफ्ती साहब से पूछा। अल्लाह अबुल कासिम साहब, और सब तो मालूम है, लेकिन हम जो बीवी का बुढ़िया हो गई अभी तक उसका मेहर नहीं दिए, क्या हुक्म? ना पूछता भी नहीं है। हाँ, मरने लगती है तभी किसी से पूछवाता है, शवर का बहन घर क्या करती, वो बेचारी मरती क्या न करती, भिखारी समझ के कहती है माँ। अजीते जी कभी नहीं बोला, मौलाना हो, हाफिज हो, पीर साहब हो, कारी साहब हो, मुफ्ती साहब हो, ठेकेदार हो, जमींदार हो, अनपढ़ हो, काला हो, गोरा हो, कोई भी हो, मुकर्रर हो, शायर हो, इमाम सर हो, इमाम साहब हो, मुस्तदी साहब हो, निकाह किया है वो कर्जदार है, बीवी का कर्जदार है, जब तक उसके महर की रकम उसे न दे दे, मौलाना हो, हाफिज साहब, मुफ्ती साहब, कारी साहब, पीर साहब, आप साहब, निकाह के बाद जितनी जल्दी हो इस कर्जा को अदा कर देना चाहिए, अगर नहीं दिया। अच्छा, मसले की बात आ जाए कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ कि मैं मुफ्ती को सुलझा दूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, हजरत अभी कलकत्ता में है, मेरा दोस्त है, अपनी बीवी के पास था तो बातचीत चलने लगी, तो कहने लगा मैं नहीं जिक्र किया, मेहर का पैसा लोग बीवी का नहीं देते हैं, अब बिल्डिंग बनाते हैं, कार खरीदते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और आज तक बीवी का कर्जा नहीं दिया, या उसको क्लियर भी नहीं किया, क्लियर भी नो कर लेना चाहिए। हेलो, तुम अपना पैसा, अच्छी बीवी होती अपना रख लेती, नहीं तो कहती जाइए मामला खत्म, हम कोई ना हश्र में पूछेंगे ना हम किसी के सामने, हमने माफ कर दिया, खत्म कर दिया, ना क्लियर भी नहीं किया, हसीना तान के चल रहा है, अब बाहर में बोलेगा कौन है, किस काम कर्जा खाए हुए, अब बीवी के मेहर का पैसा अभी तक नहीं दिया, क्या अभी नहीं दिया, अरे ससुरा अभी तो इसको खबर ही नहीं है, तो बातचीत कर रहा था तो उसकी बीवी ने कहा जी अभी तो हमको मेहर का पैसा नहीं दिए, तो क्या बोलना जानते हैं, अच्छा 25,000 का जेवर ला के दिए थे सो, मैं वहीं पे था, मैंने कहा ये बताइए 25,000 का जेवर दिए थे तो बीवी से पहले फैसला कर लिए थे कि तेरे महर की रकम 50,000 है, उसमें से 25,000 का हम जेवर ला के दे दे रहे हैं, इसमें राजी हो, बोले थे, बोला नहीं हुआ, अरे इसको तो कमा के चढ़ाइए देगा पैसा, कोई कह देगा इतने दिन से जो खिला रहे सो, इतना दिन से जो कपड़ा दिए सो, ऐ बेवकूफ, ये सबका तो अलग से वादा किया था, इलावा नानो नक्का सुकना, क्या बात, तो तुम पहले गया था, सेहरा बांध के गया था, अत्तर तड़ाना हुआ था कबूल करने के लिए, जब ये काजी साहब ने कहा फला की बेटी जहर मेरे इतना गवाह ये वो, तुमने कबूल किया, बड़ा से कहता है मैंने कबूल, क्या क्या कबूल किया था मेरे भाइयों, औरत जब चाहे अपने शौहर से मुतालबा कर सकती है, कल उसके कि आपकी आबरू खतरे में आ जाए, कल ही ये काम कर लीजिएगा, लेकिन औरतें भी तो बहुत बेअकल भी है, तू ही उसके सामने कहिएगा तुम्हारा मेहर की इतनी रकम है 20,000-25,000 ले लो, बोलेगी चुप रहिए तुम्हारा मत बोलेगा, मन उसको डर है कि मेहर का पैसा दे देगा वो हमको छोड़ देगा, ये क्या आफत है, क्या आफत है मेरे भाई, अरे मेहर का पैसा रख के न रखे, अब मेरे बीवी की जो मेहर है जानते कितना, 7,786, तो इसको रख के हम क्या करेंगे, इसको रख के क्या करेंगे, 20,000-30,000 है तो क्या करेंगे, ये औरत का हक है, मर्द को चाहिए कि उसको दे दे, औरत की मर्जी है खर्चा कर ले, जिसको चाहे दे दे, या अपने शावर को वापिस कर दे, या ये क्या दे, हमने अपने आप को इस जिम्मेदारी से आपको अलग कर दिया है, न यहाँ मुतालबा करेंगे न हश्र में मुतालबा, एक ही बीवी का कर्जा अदा नहीं किया होगा, मैं अदा कर चुका हूँ, मैं क्लियर हो चुका हूँ,
साहब, आप यदि क्लियर हो जाइएगा और तो कल से शुरू हो जाओ। जा गर्मी उतर जाएगी। लेकिन मेरे भाइयों ये मसला है, मैं बता दिया हूँ। जब जब दुनिया में बहुत सारे लोगों का इंतकाल होता है तो किसी का जाना जो उठता सुबह में, किसी का 10 बजे, किसी का जोर बाद, किसी का असर बाद, बहुत मजबूरी हो तो मगरिब बाद, बहुत जरूरी हो तो ईशा बाद, वरना जोहर के बाद अक्सर जनाजा उठता है ना भाई। औरत और मर्द हो, बुड्ढा हो, बुड्ढी, किसी का जनाजा है, लजीना फरजान और नसीमा तुम लोग बैठो, कहाँ चले तुम लोग, कहाँ जा रही हो, बैठो। कान में सेवर पहने रहती है, अब मोटा मोटा हिलाती है नहीं, अब नहा लेती है, सोचती हम पाक हो गए। चूड़ी टाइट पहने रहेगी, हिलाएगी नहीं, अब बोलेगी हम पाक हो गए। नाक में सेवर पहनेगी, आधा किलो का भी एक सेवर दे दे तो उसको भी पहन लेगी, औरत को सेवर भारी नहीं लगता। नहा भी लेगी, अब सोचती हम पाक हो गए, अब तो नई बीमारी औरतों में आई है, देहात में भी शैंपू, देहात की औरतों को भी लत लग गई शैंपू, क्या का नाम हम तो जानते भी नहीं है, और सोचेगी शैंपू लगा लेंगे पाक हो जगह रे पगली, तुझे मालूम नहीं है शैंपू और साबुन लगाने से तहारत मुकम्मल नहीं होगी, फराइज को अदा कर दो, तहारत मुकम्मल हो।